इतना जाम मिलेगा कि क्या ही बताओ मैं। और मैं नाक डस्ट टूट रहा भाई, पूरी बैंड बजी हुई है। परियार रोड लिखा हुआ है, सीधे ही चलना अपने को। मैंने पेड़ पौधे हैं इस साइड में, रोड एवरेज है, यही है भाई साहब। साड़ा बोंग फर्स्ट टाइम अपने बाइक से पहुंचे हुए हैं। हे गाइस, वेलकम बैक। माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स रोल पे फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस, तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं सुबह से सोच रहा था कि कहीं बाहर चलते हैं ऐसा वैसा करके, और मैं अचानक से प्लान बना दिया कि भाई पूरी निकलते हैं करके। तो गाइस, अभी मैं निकल रहा हूँ दोपहर के 2 बजे पुरी के लिए। भिलाई से पुरी के लिए मैं निकलने वाला हूँ और पता नहीं आज मैं कहाँ तक पहुँच पाऊँगा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। क्योंकि अभी ठंड का समय है और जल्दी अंधेरा हो जाता है, दिन बहुत छोटा हो गया है, लगभग 5:30-5 बजे के आसपास तो अंधेरा हो जाता है। तो जहाँ तक अपनी गाड़ी जा सकती है वहाँ तक अपन ले चलते हैं और देखते हैं आज रात्रि कहाँ अपन स्टे करेंगे। वैसे है हमारी मौसी रहती है उड़ीसा में, तो हो सकता है कि मैं वहीं रह लूँ और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग फिर अपन निकल जाएंगे पूरी यात्रा पर। तो ठीक है, भिलाई से अपन यात्रा शुरुआत करते हैं पूरी के लिए। गैस, तो देखो 3 बजने को है, अभी मैं निकल रहा हूँ और ये हमारी बाइक। 3 बजे निकल रहा हूँ मैं, 2 बजे निकलने वाला है, 1 घंटा ऐसे लेट हो गया। पूरा बैग बैग एकदम सेटल करना पड़ता है, मैं कुछ भी तैयारी नहीं किया था, एकदम सडन प्लान बना। और ये सुपेला है, अब वही है, लगभग अपने पास में 3 घंटे का समय है। कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं पता नहीं, मौसी के घर पहुँच पाएंगे या नहीं, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा ना। मैं भी यार पागल हूँ, निकलना था तो कम से कम 11-12 बजे ही निकल जाना था, बट क्या करें, काफ़ी कुछ काम निपटाने थे आज। और ये ट्रक वाले भाई साहब कहाँ मोड़ने में लगे हुए हैं यार, लेट पे लेट। ओ तो यही होता है गाइस, सडन प्लान बनाने से एकदम हड़बड़ी मच जाती है। अभी मुझे बोयो माइक का सेल लेना है, जितना सा छोटा सा सेल आता है ना वो लेना है, क्योंकि सेल एक भी नहीं है। अगर राइड कर रहा हूँ तो भाई फिर आवाज़ रिकॉर्ड भी नहीं हो पाएगी, तो सेल लेते हैं सुपेला में, उसके बाद फिर दबाते हुए निकलेंगे। कान खुला होना चाहिए बाबा, नहीं तो फिर ओरिजिनल सेल मिलेगा नहीं। ओरिजिनल सेल क्या है गाइस, की 1 महीने तक चल जाता है एक सेल। हाँ, ये वॉच वाला यहीं पे लेता हूँ मैं सेल, उसको बताना भी पड़ेगा कौन सा सेल चाहिए मुझे। लंबी राइड है हमारी आज भी, और सेल मिल जाएगा क्या जो बोया माइक में लगता है, बोया माइक में। तो मैंने यहाँ पे सेल ख़रीद लिया है, एक सेल अपने को 15 रुपये मिलता है, लेकिन ओरिजिनल लोग का कॉस्ट थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन 1 महीना आराम से चलता है। निकलते हैं हम लोग, अभी मुझे इतना जाम मिलेगा कि क्या ही बताऊँ मैं। और मैं भी भाई मूडी इंसान हूँ, मन कर जाता है ना तो फिर वो चीज़ को अपन कर ही लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी तकलीफ़ क्यों ना आ जाए, अपना यही सिद्धांत चलता है। और बैग वगैरह भी सही शॉट पैक नहीं किया हूँ मैं, कुछ कुछ सामान तो मुझे वहीं ख़रीदना पड़ेगा मार्केट वगैरह पे। तो मार्केट भी दिखाएंगे आप सभी को, पूरी का बीच भी दिखलाएंगे, उससे पहले मैं सोच रहा हूँ ना संबलपुर चले जाएंगे करके, और देखते हैं हमारे साथ कौन जा सकता है। और इंस्टाग्राम पे भी मैंने कुछ मैसेज वगैरह किया नहीं है, ना स्टोरी डाला है, ना किसी से कुछ पूछा है, बस निकल पड़ा हूँ मैं यात्रा पे। और मेरा तो मन ये भी कर रहा था टेंट ले लेता हूँ, कैंपिंग कर लूँगा करके अकेले ही। उसके बाद मैं बस्तरिया भाई को पूछा, तो बस्तरिया भाई बोलते हैं कि उनका उनके दोस्त का शादी है ऐसा वैसा करके। मैं बोला चलो ठीक है, फिर मैं बोला चलो ठीक है अभी शादी निपटाओ, जनवरी में अपन चलेंगे राजस्थान। राजस्थान अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिएगा, राजस्थान 15-20 दिन का टूर रहेगा अपना। अभी और पे भाई काम तो चल ही रहे हैं, बट एक्सीडेंट वगैरह भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा भाई साहब, तो एकदम केयरफुल भाई चलाइएगा, कार हो बाइक हो, ज़िंदगी अनमोल है यार, एक बार चली गई तो दोबारा नहीं मिलने वाला। मुझे रायपुर तक यही जाम देखने को मिलेगा, रायपुर जैसे तैसे अपने को पार करना है। उसके बाद जो आरंग वाली जो रूट है वो अच्छी खासी खाली खाली रहती है, तो उस पर अपन स्पीड कवर कर सकते हैं। और मुझे फिर महासमुंद से खरियाल रोड ये सब जगह होते हुए जाना है। तो अभी रायपुर का टाटीबंद चौक पहुंच चुका हूं और देख रहे हैं भीड़, बाप रे
ट्रक ही ट्रक नज़र आ रहे हैं। देन गाइस मैं आरंग वाली रूट पर कंटिन्यू करूँगा, अगर सिटी में घुसूँगा तो ट्रैफिक सिग्नल से परेशान हो जाऊँगा मैं, और यहाँ भी परेशानी है, यहाँ भी परेशान हूँ मैं, ये देख रहे हो डस्ट से और बड़े बड़े ट्रक वगैरह से। तो भाई ये ट्रक कहाँ मोड़ने वाली है, ओ भाई कौन से सदियों में बनेगा भाई यहाँ का ये रूट, बहुत कचड़ा रूट हो गया ये वाला। एक गर्ल्स को दिखाता हूँ, मस्त हेडफोन लगाई हुई है, मतलब कि गाड़ी चला रहे हैं भाई तो हेडफोन वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है साइड से ही गाड़ी निकलती है और आप अपने धुन में हैं, वो गाना भी सुन रहे हो। ये देखो जैसे कि ये गर्ल्स सुन रही है गाना, बड़े वो भी दोनों कान में लगे हुए हैं ना इस तरह से, और मस्त सुनते हुए जा रही है। अब इसके बगल से गाड़ी गुजरी, अगर ये संभाल ली तो ठीक है, नहीं संभाल पाई तो इस तरह से एक्सीडेंट होते रहते हैं। जब मैं पेपर बांटता था ना तो सुबह सुबह साइकिल से जाता था मैं, तो इस तरह से एक्सीडेंट बहुत देखे मैंने। उस समय तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ था गाना सुनने का, मतलब कि क्या ही बताऊँ, मैं अभी खुद इतना गाना सुनता था कि एक MP3 वाला एक कैसेट वाला आता नहीं था वो ख़रीद लिया था मैं अपने पेपर एजेंसी पेपर बांट बांट के। उस समय उसका कॉस्ट था वो लगभग वही 400-300 रुपए में मिल जाता था, और देख रहे हो डस्ट, बाप रे ना ख़तरनाक डस्ट उड़ रहा है भाई, पूरी बैंड बजी हुई है वाली रूट की भी। देखो आराम से गुड़िया, आराम से, ये वाली रूट की यही दिक्कत है, ये दिक्कत ही दिक्कत चल रही है हर जगह के, जितने भी यहाँ पे रूट बन रहे हैं ना सब पेंडिंग पड़े हुए हैं, कोई ऐसा रूट नहीं है कि जो सही सलामत तैयार हो। तो अभी हम रायपुर क्रॉस कर चुके हैं, आरंग वाली रूट पर आ गए हम लोग। ये वाली रूट भी बहुत ज़बरदस्त भीड़ रहती है शाम शाम को, और ये वह मटके वटके रख दिए यहाँ पे, लेकिन डेकोरेट कर रहे हैं, शाम को लाइट जलता होगा तो गजब का दिखता होगा। तो स्पीड भगाते हैं, अभी लगभग 4 बजने को है समझ लो, महासमुंद यहाँ से वही 50-60 किलोमीटर मान के चलो, लगभग वही पहुँच जाऊँगा मैं 6 बजे के आसपास तक, मैं मौसी के घर तक पहुँच सकता हूँ। तो उतना तो आज का जो विश्राम है वो मौसी के घर होगा, और भाई भी साथ में जाएगा अपने, पूरी बोला हुआ था कि चलना साथ में, राजस्थान के लिए भी बोला हुआ था। तो राजस्थान का तो प्लानिंग जनवरी को है, जनवरी 10 तारीख से पहले अपन निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये आज का पहला टोल गेट है, जैसे आप रायपुर सिटी क्रॉस करोगे आरंग वाली रूट पर आओगे तो ये टोल गेट आपको देखने को मिलेगा। गाइस तो यहाँ पे सरायपाली है 221, संबलपुर है 238। तो संबलपुर डायरेक्ट जा सकता था लेकिन हमारे उड़ीसा वाले भाई भी हमारे साथ जाएंगे, इस वजह से उनको भी लेके जाना है। और ये आरंग अपन पहुंच गए हैं, आरंग सिटी यहाँ से चालू हो जाता है, बट अपने को तो महासमुंद जाने हैं। और अभी टाइम देख लेता हूँ भाई क्या टाइम हो रखा है, क्योंकि घर से 3 बजे के आसपास मैं निकला हुआ था, देखते हैं। तो अभी 4:17 हो रहे हैं, लगभग 1.5 घंटे और सूरज देवता साथ देंगे, उसके बाद तो फिर अंधेरा हो जाएगा। बाल तुरंत चिपक गया भाई स्कोप लगाने से, और अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं, नॉर्मल दो ना नॉर्मल, तो यहाँ पे हम पानी पीने के लिए रुके हुए हैं, चाय भी पीते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। गाइस तो शकल पर मत जाइएगा क्योंकि बाल पूरा चिपक गया है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है भाई, क्या है किडनी में ना पथरी हो गया है, अगर आप लोगों को इलाज पता है देसी इलाज तो बताइएगा जिससे मेरा पथरी निकल जाए, बहुत परेशान हूँ यार, जितने का जितने ही है। मैं डॉक्टर को भी दिखा दिया, डॉक्टर दवाई भी दे दिए और अभी तक साफ नहीं हुआ है,
7.7 ही दिखा रहा है अभी भी, कल ही मैं सोनोग्राफी कराया था। तो अभी चाय ऑर्डर किया, चाय पीते हैं फिर निकल। चाय भी मैंने पी लिया, GoPro की बैटरी भी चेंज कर लिया, पानी भी पी लिया, अब एकदम दबाते हुए निकलते हैं भाई। गाइस तो महासमुंद का महानदी आप लोगों को दिखलाता हूँ। वैसे तो मैं जब किशनपुर गया हुआ था तो दिखलाते हुए गया था, एक बार देख लो भाई नज़ारे, उतना कुछ खास नहीं है बट अभी शाम के नज़ारे हैं तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मस्त। गाइस तो मुझे महासमुंद के लिए ये हाईवे को छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से अपने को जाना है महासमुंद। महासमुंद के आगे है खरियार रोड, तो खरियार रोड उसके बाद फिर साड़ाबोंग। साड़ाबोंग में अपन आज रात्रि स्टे करेंगे, जैसे कि मैं आप लोगों को बतलाते हुए आया हूँ। ये क्या हो गया भाई, इधर पुलिस प्रशासन सब लगे हुए हैं। तो हल्का फुल्का आप लोगों को महासमुंद भी दिखलाते हुए चलूँगा। ये ट्रेन रूट है जो सीधा लेके जाती है पुरी के लिए, दुर्ग टू पुरी आपने देखा होगा। और क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ से क्या पूरे ऑल इंडिया से लोग जाते हैं जगन्नाथपुरी का दर्शन करने के लिए। आज हमारे सौभाग्य बन रहे हैं भाई, बड़खावड़ जगन्नाथपुरी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। गाइस तो महासमुंद सिटी देखिए, वैसे तो मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है लेकिन वो एक साल पुराना हो चुका है। अगर आपको नया ब्लॉग देखना है तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाऊं और अच्छे से बताऊं कि यहाँ पे क्या क्या सुविधा है। वैसे यहाँ भी देख रहे हो, ओयो होटल खुल गए भाई, ओयो खुल गए भाई महासमुंद में, क्या बात है भाई, प्रगति पर है भाई महासमुंद। पार्टी वगैरह भी शाम को लगते हैं, आगे एक चौक आएगा वहाँ पर सेकेंड हैंड बाइक की दुकानें हैं इस साइड में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने योग्य। अब यहाँ पे थिएटर याद नहीं आ रहा है, थिएटर है भाई यहाँ पे महासमुंद जिला में। और ये चौक है, इसको ये वाला जो ओवर ब्रिज है सामने वाला जो दिख रहा है, इसको अभी हाल ही में बनाया लगता है, क्योंकि ये तो देखने को नहीं मिल रहे थे अपने को। और ये देखो खरियार रोड लिखा हुआ है, सीधे ही चलना अपने को। खल्लारी माता वाली रोड भी इस साइड है, और यहाँ पे कुछ कार्यक्रम वगैरह भी चल रहे हैं। अट जा काका, ये पूरी मार्केट एरिया है गाइस यहाँ की, और पता नहीं कोई नेता आ रहे हैं या फिर कुछ माहौल है, लेकिन आज पुलिस वाले सब भाई लोग खड़े हैं चौक चौराहे पे। तो ठीक है गाइस हम आगे बढ़ते हैं, हर चौक चौराहे को बंद करके रखे हुए हैं। ये देखो नेता आ रहे हैं कोई, इस वजह से इसको ये बंद करके रखे हुए हैं। अरे यार लेट पे लेट हो जा रहा हूँ मैं तो, देखता हूँ निकलने देगा कि नहीं देगा। चलो निकलने तो मिल रहा है अपने को, पूरी जाम लगी हुई है, बाप रे। देख रहे हो जाम, पूरी लाइन से ट्रक खड़ी है, पता नहीं कितने समय से रोक के रखे हुए हैं। गाइस तो इस साइड पेड़ पौधे ज़्यादा है करके ना अच्छा खासा ठंड लग रहा है इस साइड में, मतलब कि अपने उस साइड तो भाई बिल्कुल भी ठंड नहीं है, मतलब कि ठंड के दिनों में ठंड नहीं रहेगा तो भाई क्या मतलब यार ठंड का। अभी दिसंबर चल रहा है और बताइए। और ये नया ओवर ब्रिज बन चुका है, खरियार रोड है 43 किलोमीटर, अच्छा बना दिया भाई ये वाली रूट को। गाइस तो अभी मैं भीम खोज पहुँच चुका हूँ, खल्लारी माता मंदिर दरबार पे। ये देखो यहाँ से जाओगे तो खल्लारी माता मंदिर है, और इसे बोलते हैं भीम खोज। इसे अपन क्रॉस करेंगे, उसके बाद आएगा बागबहरा, बागबहरा के बाद है खरियार रोड। गाइस तो अभी हम पहुँच चुके हैं बागबहरा, ये है बागबहरा सिटी, इसका भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है लेकिन वो भी एक साल पुराना है। चंडी मंदिर यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है, चंडी मंदिर पर मैं दो बार वीडियो बनाया था,
और इस नवरात्रि में नहीं बना पाया। जो नवरात्रि बीत गया ना, उस नवरात्रि को मैं व्लॉग नहीं बनाया था। आने वाले नवरात्रि पे अपन फिर से एक नया तड़कता भड़कता बनाएंगे, क्योंकि वहाँ भी भालू आते हैं माता का दर्शन करने के लिए, प्रसाद खाने के लिए। वो भी अच्छी जगह है घूमने लायक। तो महासमुंद साइड में भाई एक से एक चीज़ें हैं घूमने लायक। राजा खरियार रोड 105, खरियार रोड 20 किलोमीटर और अपने को ट्रैवल करना है। घने घने पेड़ पौधे हैं इस साइड में, रोड एवरेज है, कहीं कहीं पे गड्ढे वगैरह भी हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप आ रहे हो ना, तो आराम से चलाते हुए आइएगा। तो अभी अंधेला होने वाला है, हम पहुंचने ही वाले खरियार रोड, और सामने में आप देख रहे होंगे बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं। खरियार रोड 3 किलोमीटर रह गया है, और क्या क्या लिखा है भाई। तो यहाँ से अपना छत्तीसगढ़ समाप्त होता है और उड़ीसा चालू हो जाता है। ये देख लो बाबा, उससे पहले ये पता नहीं कौन सा नदी है, उड़िया में लिखा था, मैं आपको दिखाया भी नहीं और पता भी नहीं चल पाया कौन सा नदी है। ये महासमुंद का ही होगा लगता है। ये देखो उड़िया में लिखा हुआ है भाई, जिसको इंग्लिश नहीं आएगा वो तो फिर गया भाई उसको तो। अब ये है खरियार रोड जो आप लोगों को हम दिखला रहे हैं। ये शहर में आता है, यहीं आपको बड़े बड़े दुकान देखने को मिलेंगे। बहुत दिन हो गए भाई आए, अच्छे से याद भी नहीं है मुझे। बस एक ही बार आया था मैं घूमने के लिए भाई के साथ, बहन के साथ में, यहीं पे कुछ शॉपिंग करने के लिए। और ये पूरी मार्केट एरिया है। इसका सिटी का व्लॉग देखना है तो कमेंट करके बताइएगा, अभी तो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन हाँ हल्का फुल्का आप लोगों को नाइट का व्यू दिखला रहा हूँ। ये देखो पूरा नाइट का व्यू खरियार रोड का, मतलब कि बागबाहरा बहुत बार आया हूँ। बागबाहरा से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास में ही होगा खरियार रोड, कम भी हो सकता है, लेकिन आज तक मैं इतना दूर नहीं आया था। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, और भाई को फ़ोन लगाना पड़ेगा कि उनका घर जाने का रास्ता कहाँ से है, क्योंकि अपने को आइडिया नहीं बुड़ू कहाँ से अपन जाएंगे, कौन सा रोड लेके जाता है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं साड़ाबोंग, यही है भाई साहब साड़ाबोंग। फर्स्ट टाइम अपने बाइक से पहुंचे हुए हैं। अगर हम सीधा जाते हैं तो पटोरा डैम है, लेकिन अपने को तो मौसी के यहाँ जाना है। ये सारी दुकान याद है हमें अच्छे से। गाइस तो कल शाम को मैं 7 बजे के आसपास पहुंच गया था मौसी के यहाँ, और अभी भी मौसी के यहाँ मैं। देखो हम लोग यहीं पे सोए हुए थे, और ठंड उतना नहीं है यहाँ भी, मैं सोच उड़ीसा में ठंड होगा करके। और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं संबलपुर के लिए, और अभी पूरी तैयारी चल रही है। तो वीडियो मैं यहाँ पे एंड करने वाला हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ी बन चुकी थी। अगले ब्लॉग में आप लोगों को साड़ाबोंग से संबलपुर की राइड देखने को मिलेगा, और संबलपुर में भी काफ़ी कुछ टूरिस्ट प्लेस है, उस पर भी हम ब्लॉग बनाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग पे।